आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम इस वक्त हैं सोलापुर शहर की गड्ढा यात्रा में, जहां पर बहुत सारे लोग अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर शिव योगी सिद्धेश्वर महाराज की यात्रा में ये लोग जो है गड्ढे की जत्रा में यहां पर आते हैं और बहुत सारा एंटरटेनमेंट करते हैं। आप मेरे पीछे साइड देख सकते हैं कि ये बुर्ज खलीफा है, जो एक सचमुच का बुर्ज खलीफा नहीं है बल्कि एक बनाया गया बुर्ज खलीफा है। 2 सालों के बाद गड्ढा शुरू हुआ है। क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है या नहीं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पूरे फैमिली के साथ आए हो? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ। कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। क्या क्या देखे अभी तक? गड्ढा पूरा सब झूले में वगैरह बैठे क्या? हाँ। तो ये बहुत सारे बच्चे हैं और कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बुर्ज खलीफा है, उस साइड पर जो है ये पूरे दुबई के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं उन इमारतों को यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर लोग आकर जो है हर जगह पर आप देख सकते हैं कि ये लोग तस्वीर निकाल रहे हैं, ताकि जो है जो लोग दुबई नहीं जा सकते लेकिन यहाँ पर जो है दुबई का मज़ा ये लोग यहाँ पर ले सकते हैं। और चंद लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस साल की गड्ढा यात्रा में कैसा लग रहा है। इस साल 2 सालों के बाद जो है गड्ढे की यात्रा यहाँ पर जो शुरू हुई, बहुत अच्छा लग रहा भाई, बहुत अच्छा। जैसे ये बुर्ज खलीफा, जैसे बड़े बड़े झूले, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, इधर फुल एंजॉय हो रहा। तो और कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है गड्ढे में और उनको क्या अच्छा लग रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो तस्वीरें खींचते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो है लंदन का पीछे साइड जो एक ब्रिज है, वो ब्रिज के सामने रुककर जो है बहुत सारे लोग अपनी तस्वीरें निकाल रहे हैं फिलहाल। और कुछ जगहों पर हम चलते हैं जहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों को कितना यहाँ पर आनंद आ रहा है। तो ये है सोलापुर की गड्ढा की यात्रा, जहाँ पर एक ऐसा झूला है जो एकदम फास्ट घूमता है। 2 सालों के बाद, कोरोना के बाद अभी ये गड्ढे की यात्रा शुरू हुई है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है देखो, बहुत अच्छा लग रहा है। तो और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो झूला घूमने के बाद ही देखेंगे ये झूला कितनी रफ्तार से घूमता है। इसके बाद और बहुत सारे झूले हैं, वहाँ पर भी जाकर हम लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते बड़े झूलों की ओर। कि आप ये इस बड़े से झूले से एक फैमिली है जो अपनी फैमिली के साथ वो बैठकर आए, उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि कितना मज़ा आया आपको सर? काफ़ी मज़ा आया। एंड ये साल भर के हर साल ये आता रहे। हम लोग तो यही चाहते कि सोलापुर के हर इंसान को ये खुशी मिले अपनी फैमिली बच्चों के साथ, और ये सारे लोग एंजॉय करें। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी और हमारी फैमिली की तरफ से पूरे सोलापुर को सिद्धेश्वर यात्रा की बहुत सारी शुभकामनाएँ। मैडम, किस तरह से आप जो है छोटे बच्चे को लेकर बैठी थी, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। डर भी लग रहा था पर अच्छा लगा। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इस झूले में ऊपर बैठकर कि किस प्रकार से पूरे सोलापुर शहर के अंदर ये देखने वाला जो नज़ारा है वो कैसे दिखेगा। अब हम इस झूले में बैठकर वो देखने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त यहाँ के सबसे बड़े झूले में बैठकर इसका आनंद ले रहे हैं। आप मेरे पीछे साइड देख सकते हैं कि यहाँ से ये सारा गड्ढा का नज़ारा किस प्रकार से लगता है। ये तो इस मेले में इस बार कई प्रकार के जो है झूले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक है चांद तारा झूला, एक है एकदम फास्ट घूमने वाला हाफ नाव काठी, आप देख सकते हैं। बड़े बड़े झूले हैं, एकदम से ऊपर जाकर नीचे आते हैं। तो बड़े बड़े झूले और कई लोग यहाँ पर जो है इस बार इसका आनंद लेने आए हैं, क्योंकि कोरोना के 2 साल खत्म होने के बाद ये इस बार शुरू हुआ है। और इस बार काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है गड्ढे की इस मेले में, इस गड्ढे का ये मेला लगा हुआ है। तो सभी लोगों से, सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये विनती की जाती है कि यहाँ पर आए और इस मेले का आनंद उठाएँ।